Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Associations. I am author to 55 medical books. So, aaj baat karenge ek jo unnecessary political interference hota hai, especially peripheral cities mein centers pe, aur iski wajah se jo medical legal complications hota hai. Kai baar kya hota hai ki aap practice karne jayenge और बेसिकली रोल ऑफ एनएमसी क्या है, सो इस पर हम डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली क्या होता है कि कई बार पेरिफेरल सेंटर्स पे आप जाओगे तो कुछ सेंटर्स होते हैं जो ऑन्ड बाय सम पॉलिटिशियंस, लोकल पॉलिटिशियन, वहाँ के कॉरपोरेटर, वहाँ के एमएलए ऑन करते हैं. सो आपको पता है आपको कि ये रेडियोलॉजी रिपोर्ट नहीं सही है, उतना कुछ गलत है आपको, और प्लस आपने ऑपरेट किया तो अगर आपने, जैसे ये मेरे काफ़ी कलीग्स के साथ हुआ है, सो आपने पेशेंट को बोल दिया कि मुझे लगता है ये रिपोर्ट सही नहीं है, फिर पेशेंट क्या होता है इसको, इस बात को लिटरली लेके पेशेंट जाता है अपने उस सेंटर में, बोलता है आपने गलत रिपोर्ट क्यों दी था. वहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वहाँ कोई क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट को पे करने के लिए मतलब सैलरी काफ़ी अच्छी देनी होगी जो एमडी रेडियो. वहाँ क्या करते हैं, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर हो या कोई ऐसे, इवन वो डॉक्टर नहीं होते, कुछ टेक्नीशियन होते हैं, सोनोलॉजी का कोर्स किया है, काम कहीं सीख लिया, वो यूएसजी कर रहे हैं. सो उनको कम पैसों पर भी किया जा सकता है और पेशेंट से तो प्रॉपर चार्ज कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड का 1500-2000 रुपीज़ जैसे छोटे शहर में. सो अब इसमें क्या होता है कि ये आपको जब भी ये जब होगा और इसमें सोनर, अब वहाँ पेशेंट को क्या करते हैं कि पेशेंट से तो पूरा 2000 का चार्ज लिया गया और ये सोनोलॉजी में जो टेक्नीशियन या जिसको बैठा रखा है उसको कम पैसों में भी वो कर दे रहे हैं, और इससे क्या होता है रिपोर्ट गलत आ रही है, जिससे काफ़ी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होता है. और अब ये चीज़ तो चलो हो रहा है, अब इसमें डॉक्टर ने कम्युनिकेट कर दिया, डॉक्टर अगर पेशेंट को ये चीज़ थोड़ा बताया, बताने का तरीका हो सकता है, लेकिन बताना पड़ता है कई बार, क्योंकि कोई भी रिस्क होगा. आज के टाइम में क्या है, पेशेंट काफ़ी अवेयर है तो मेडिको लीगल कॉम्प्लिकेशंस हर चीज़ का होने लगता है, मेडिको लीगल इम्प्लिकेशंस, वो कोर्ट चला जाएगा. अगर गवर्नमेंट में है तो भी जा सकता है. आप देखोगे जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में भी ये है कि गवर्नमेंट बॉडीज को भी उसमें कवर किया गया है. सो और प्राइवेट को तो है ही कवर, प्राइवेट जब आप फी लेके प्रॉपर कर रहे हो. सो ये वाली चीज़ है. अब इसके साथ साथ क्या है कि अब इसमें क्या है, पेशेंट को वो डॉक्टर ने बताया और मान लो डॉक्टर नहीं कम्युनिकेट कर रहा है तो वो ये भी बात है कि पेशेंट सेटिस्फाइड प्रॉपर नहीं रहेगा, उसे लगेगा डॉक्टर ने गलत सर्जरी कर दिया, अननेसेसरी सर्जरी कर दी, और क्योंकि इनिशियली क्लिनिकली और अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट के हिसाब से तो पेशेंट को प्रॉपर इन्फॉर्म कंसेंट के साथ काउंसिल करके ही सर्जरी की गई, फिर वो प्रॉपर फाइंडिंग नहीं आई तो मतलब वी आर प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. तो जब पेरिफेरल सेंटर्स में होता है, स्पेशली काफ़ी डॉक्टर्स जो बॉन्ड पोस्टिंग कर रहे होते हैं, तो अब इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो डॉक्टर किसी पर्टिकुलर प्रेशर में आके उन्हें पेशेंट को कुछ और कन्वेंस करना पड़ेगा. ये सब मैं बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माय एंड माय कलीग्स एक्सपीरियंस इन द पेरिफेरल सेंटर्स. सो पॉलिटिकल प्रेशर में आके कुछ कहना पड़ता है. अब क्या होता है कि अब एनएमसी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, एज एनएमसी मेडिकल काउंसिल काफ़ी कुछ बोलता है कि डॉक्टर्स को एडवर्टीजमेंट में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स होता है, बहुत बातें. सो व्हाट एनएमसी इज़ डूइंग टू सेफगार्ड दूस डॉक्टर्स इन दिस सिचुएशन जो पेरीफेरी में, गवर्नमेंट का भी ये रोल है प्लस एनएमसी एज अ बॉडी भी है. एनएमसी ने क्या गाइडलाइन, क्या प्रोटोकॉल निकाला है कि पॉलिटिकल अनड्यू पॉलिटिकल प्रेशर से आप कैसे डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करोगे इसमें. सो एनएमसी शुड ऑल्सो वर्क ऑन दिस. हम काफ़ी कुछ बोलते हैं कि आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो आप ये एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अपना नाम डिस्प्ले नहीं कर सकते, डिग्रीज दे साइन नहीं कर सकते, बहुत कुछ है, मतलब उसमें काफ़ी कुछ है. तो इसमें उसमें ये भी एक प्रोटोकॉल आना चाहिए, गाइडलाइन आनी चाहिए कि if someone is pressurizing the resident medical practitioner in the peripheral centers, be it political affiliations हो, उसका जो भी हो, unethical चीज़ के लिए, या फिर पेशेंट को मिसकम्युनिकेट करने के लिए यूजी रिपोर्ट सही था, भले उसको एक अनक्वालिफाइड पर्सन ने रिपोर्ट किया है, सो भी तो आप जब पेशेंट को सही चीज़ कन्फेस कर रहे हो, सही चीज़ बता रहे हो ताकि इसका मेडिकल लीगल इम्प्लीकेशंस आप पे ना हो. सो हाउ डॉक्टर इज सेफ गार्डेड इन दिस सिचुएशन, एनएमसी शुड मेड अ गाइडलाइन ऑन दिस ऑल्सो. थैंक यू.